जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जॉब हेल्प में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे, रैली वाले स्टूडेंट है आपके, राजस्थान में रैली होने वाली है, जोधपुर के अंदर, हरियाणा में अंबाला के अंदर होने वाली है और इसके साथ साथ आपके बिहटा बिहार में भी आपकी रैली होने वाली है। तो सभी स्टूडेंट को मेरी ओर से सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक गाइज, और सारा प्रोसेस मैंने सबसे पहले आपको बता दिया यूट्यूब पे A to Z, मतलब आपका स्टेप बाय स्टेप मैंने प्रोसेस बताया है, उस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच कर लेना, ठीक है, उसको क्लियर से अच्छे तरीके से देख लेना। 10 से 15 मिनट का वीडियो है लेकिन आपके लिए बहुत ही कीमती वीडियो है, ओके। उसके बाद में इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके लिए संपूर्ण जानकारी, फिर से मैं एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तो आप सभी स्टूडेंट का प्यार यूं ही बनाए रखना, आपने काफी डिमांड किया तो उसके ऊपर मैंने ये वीडियो आपके लिए, मैं स्पेशल आपके लिए लेकर आया हूं। तो गाइस सबसे पहले क्या है कि सभी स्टूडेंट को मैं बता देना चाहता हूं कि आपका एडमिट कार्ड कब आएगा। सबसे पहले ये क्वेश्चन आपके मन में काफी बार चल रहा है, ओके। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि सभी स्टूडेंट जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपका कम से कम 4 से 5 दिन पहले आ जाएगा, जिस तारीख से आपकी रैली स्टार्ट हो रही है, मोस्टली 9 या 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है, ओके। तो 9 या 10 अक्टूबर से जो रैली स्टार्ट होने वाली है तो उसका एडमिट कार्ड यानी 4 या 5 अक्टूबर को नाइट में आपके ईमेल के ऊपर आ जाएगा, यदि आप उस परसेंटेज के क्राइटेरिया के अंदर आते हैं। वो अपन को पता नहीं चल पाएगा कि परसेंटेज का क्राइटेरिया क्या रहा है, हमें जैसे 1, 2, 3, 4, 5 जैसे 10-15 कैंडिडेट से अपने रूबरू होंगे कि आपका परसेंटेज कितना है, तो उससे ही पता चल पा सकता, उससे ही पता चल सकता है कि अपना परसेंटेज कितना रहा है, ओके। उसके बाद में बात आती है गाइज कि आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा ईमेल से, उसको डाउनलोड कर लेना है और मैं आपको एक स्क्रीन पर अभी दिखा देता हूँ, ओके। जो ये साइड में आप देख रहे हैं ना एडमिट कार्ड, इस तरीके का एडमिट कार्ड आपका भी आएगा। तो इस प्रकार का एडमिट कार्ड आने के बाद में एडमिट कार्ड होगा आपका, उसमें डेट होगी किस डेट को आपको वहाँ पे जाना है, प्लेस होगा, जो स्थान है वहाँ पर आपकी जो एग्जामिनेशन फिजिकल जो सारा प्रोसेस होने वाला वो वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। टाइमिंग भी उसमें मेंशन होता है कि इस टाइम पर आपको वहाँ पे प्रेजेंट होना है, जिस सेंटर पे और जिस डेट को आपको दिया गया है उसी सेंटर पे आपको पहुँचना है। तो सबसे पहले बात आती है डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स आपके सामने सारे के सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ना कि डुप्लीकेट। यदि डुप्लीकेट है तो एक डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है तो चल जाएगा, वरना सारे के सारे डॉक्यूमेंट में ऐसा नहीं चलेगा। सबसे पहले बता देता हूँ आपको, डॉक्यूमेंट के अंदर आपका आधार कार्ड हो गया जो आइडेंटिफाई के तौर पर होगा, ओके। उसके बाद में यदि आपके पास जो भी और अदर कोई है पैन कार्ड वगैरह तो भी आप आइडेंटिफिकेशन के तौर पे ले जा सकते हैं वहां पे। उसके बाद में बात आती है गाइज आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट हो गया, और इसमें दोनों की आपकी फोटोकॉपीज भी आपके सामने होनी चाहिए और आपकी ओरिजिनल भी होनी चाहिए, ओके। इसके साथ साथ आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत ही जरूरी है, यदि वो नहीं है तो आपको पार्टिसिपेट नहीं किया जाएगा वहां पे और उसमें काउंट नहीं किया जाएगा, ओके। कई कई जगह आपको चांस दे दिया जाता है कि आप नेक्स्ट टाइम लेके आए। अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट पुराना या नया नहीं होता है गाइज, ओके। डोमिसाइल सर्टिफिकेट 1 टाइम ही बनता है, यदि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑनलाइन जैसे बना हुआ है, ठीक है, ऑनलाइन बनता है आज के टाइम में, डिजिटली बना हुआ है तो कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, और एक ही बार बनता है क्योंकि ये आपको जहां पर आप रहते हैं आपका प्लेस कौन सा है, स्टेट कौन सा है, उसके लिए आपको प्रमाणित करता है कि ये भाई आपका जो कैंडिडेट है वो इसका परमानेंट यहां से रहने वाला है, बिलोंग करता है, ओके। इसके लिए ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, उसी के हिसाब से आपका वहां पर पार्टिसिपेट किया जाता है रैली के अंदर, कि राजस्थान में है तो राजस्थान में, हरियाणा में है तो हरियाणा में, यदि अदर स्टेट में है जैसे बिहार में है तो बिहार के लिए वो प्रमाणित किया जाता है, ओके। उसके बाद में बात आती है गाइज, यदि आपके पिताजी एयरफोर्स में पहले से हैं तो SOAFP फॉर्म आता है, वो आपको लेके जाना है, 10th 12th की मार्कशीट लेके जानी है, और मैंने ये बता दिया आपको। NCC सर्टिफिकेट आपके पास है ABC तो आपको लेके जाना है, उसका अलग से बेनिफिट मिलेगा, यदि आपके पिताजी हैं तो उसका भी आपको अलग से बेनिफिट मिलेगा, ओके। तो इसके बाद में आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है खेल का है या और किसी भी इंटरनेशनल या नेशनल लेवल का या स्टेट लेवल का कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट है तो भी आप उसके अंदर लेके जाएं, वो आपके पास वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा। यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप अपना ग्रेजुएशन, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल वो अपने साथ में रखें, और आप उसकी फोटोकॉपीज कम से कम 10 फोटोकॉपीज आपके सामने सभी की होनी चाहिए, ओके। उसके बाद में बात आती है आपका जो फोटोज, ओके, स्लेट वाली जो फोटो होती है वो आप उसे अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, जिसके ऊपर DOP सबसे पहले ऊपर नाम आएगा, DOP और DOB जिस तारीख को आप डेट ऑफ मतलब जो फोटो आप खिंचवा रहे हो उसके ऊपर होनी चाहिए। तो गाइज आपका एडमिट कार्ड मैंने आपको बता दिया है, आपका डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया, अभी अपन बात करेंगे नॉर्मली, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, यहाँ पे वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ओके।
तो सबसे पहले क्या होगा कि आपको जहां पर जिस डेट को बुलाया गया उस डेट को आपको वहां पे जाना है, आपको गलती नहीं करनी है। और COVID-19 के अंदर आपको मास्क, सैनिटाइजर सब साथ में रखना है और अपने स्वास्थ्य का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखना है। सबसे पहली बात तो ये है, आप जहां से भी जर्नी कर रहे हैं अच्छे तरीके से सैनिटाइजर होते रहें टाइम टू टाइम, और जो गाइडलाइन दे रखी है राज्य सरकार ने या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको आपको फॉलो करना है, और ज़्यादा भीड़ वाले स्थान पर आपको नहीं जाना है। ओके, इस बात का आप ध्यान रखें। तो इसके बाद में बात आती है गाइज आपके जो भी आपको डेट पे वहाँ पे पहुँच जाएंगे तो उसके अंदर क्या होता है। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आपका फिजिकल होगा और जब जिसको पीएफटी यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट जिसको बोला जाता है, ओके, तो आपका 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर की रनिंग होगी। 6.5 मिनट का टाइमिंग होता है, लेकिन रैली के अंदर मोस्टली देखने को मिलता है कि कैंडिडेट जो आपके 6 मिनट में क्लियर कर लेते हैं, तो आपको रनिंग अच्छे तरीके से करनी है। अभी आपको रनिंग में जुट जाना है, मेरी टिप्स आपको यही है, ताकि आपका स्टेमिना अच्छी तरीके से बना रहे। और आपको डेली एक्सरसाइज करनी है, और उसके अंदर क्या क्या करना है वो भी आपको बताया हुआ है पहले से, बहुत काफी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, तो उसके अंदर आप जाकर देख लेना। और यदि आपको जरूरत पड़ी तो मैं टेलीग्राम में इसका लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, तो आपको पुशअप करनी है। अब उसके अंदर 10 पुशअप होगी, 10 आपकी जो सीटअप होगी गाइस, ओके, ये आपका प्रोसेस करना है। और इसके अंदर बाद में आती है आपके स्क्वेट्स, तो 20 स्क्वेट्स होगी यानी उठक बैठक होगी, तो ये आपसे प्रोसेस करवाया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि भाई ऐसे करना है तो ऐसे ही करना है, आपको अदर एक्टिविटीज ऐसे नहीं करना है, ज्यादा बेंड नहीं होना है, आपको नीचे ज्यादा रखा जाएगा पुशअप के अंदर, ये मैंने आपको पहले बता रखा है। ओके, पुशअप जब से कराया जाएगा आपसे डाउन अप या 1-2 के माध्यम से चलेगा, विसल के हिसाब से भी चल सकता है, तो वो अलग अलग जो सेंटर होंगे अलग अलग वहाँ पे ऑफिसर जो भी फिजिकल ट्रेनर होते हैं उस पर डिपेंड करता है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, इसके बाद में गाइस बात यहाँ पे आती है कि आपका ये सारा प्रोसेस होने के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, कि किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो, या पहले ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है कई बार, ठीक है। और ग्राउंड की बात करें, काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमें क्या करना चाहिए, कि रनिंग रोड पर करना चाहिए, ग्राउंड में करना चाहिए, ठीक है, ट्रैक पर करना चाहिए, आपका बहुत बार काफ़ी सवाल आता है। तो गाइज आपको जो मैंने बता दिया है कि जोधपुर के अंदर बात करूँगा तो जोधपुर के अंदर आपका ग्राउंड भी है, अंदर वाले जो आपका एयरमैन सिलेक्शन सेंटर 5 है जोधपुर के अंदर पाली रोड वाला, तो आप अंदर के अंदर क्या आपका जो सेंटर है उसके अंदर रोड भी बनी हुई है वर्गाकार, और बाहर वाली रोड पे भी जो एएससी के फ्रंट से रोड निकलता है उस रोड पे भी आपकी रनिंग होती है। ओके, और ग्राउंड भी अंदर कच्चा, ठीक है, जो अपनी आम भाषा में बोला जाता है कि ट्रैक टाइप का, ठीक है, उसमें कोई कुछ भी नहीं है, रेतीला है, जैसे पक्का हुआ है लेकिन उस पर रेतीला है, ओके, नॉर्मल मिट्टी वाला है, तो उस पर भी आपकी रनिंग वहाँ पे होती है। तो ये आपकी बात में अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। इसके बाद में आपका जो मैंने बता दिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहीं पर पहले हो जाता है और कहीं पर फिजिकल के बाद में हो जाता है, तो वो प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद में आपका एग्जामिनेशन होगा, और एग्जामिनेशन की बात मैं कर रहा हूँ तो एग्जामिनेशन के अंदर आपको मैंने बता दिया नेगेटिव मार्किंग होगी, और एक्स ग्रुप की मोस्ट रैली है, तो आपका वही जो 70 क्वेश्चन होंगे और आपको करना है, और 25 क्वेश्चन फिजिक्स और मैथमेटिक्स के होंगे 12वीं बेस पे, और 20 क्वेश्चन हो गए इंग्लिश के जो कि कॉमन होते हैं एक्स और वाई ग्रुप में, तो वो आपके इंग्लिश के होंगे। ओके, लैंग्वेज बोथ रहेगा, हिंदी और आपका इंग्लिश जो आप चूज करें वो करें। ओएमआर सीट आपको दी जाएगी, ओएमआर सीट में आपको आंसर फॉलो करना है, यदि आप उसमें पास हो जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप आपका आता है फेज 2 यानी अडेप्टिबिलिटी टेस्ट 1 एंड 2, तो उसके अंदर आपको क्या होता है एसआरटी होता है यानी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट जिसको साइको टेस्ट बोला जाता है, और इसके अंदर सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है और कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़कर आना है, ठीक है। उसके बाद में आता है यहां पे जीडी होता है ग्रुप डिस्कशन, जिसके अंदर 10 से 15 स्टूडेंट को बुलाकर वहां पे ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है, एक टॉपिक दिया जाता है, उस टॉपिक पर आपको बोलना होता है, पूरी इंफॉर्मेशन पहले से मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखी है। और इसके बाद में आती है कि जीडी कैसे होती है, तो जीडी के ऊपर प्रॉपर वीडियो है, आगे भी आपको अलग अलग से वीडियोज टॉपिक भी आपको मिलते रहेंगे, तो आप जुड़े रहें लगातार। और उसके बाद में बात आती है गाइज आपकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जीडी कैसे होता है, तो जीडी का मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है, और इसके बारे में बता देना चाहता हूँ कि हिंदी में जीडी बिल्कुल भी नहीं होता है, इंग्लिश के अंदर ही प्रॉपर वे में होता है। और इसके बाद में यदि ये प्रोसेस आप कंप्लीट कर लेते हैं, और एक टेस्ट भी होता है DFT डायनेमिक फैक्टर टेस्ट जिसको बोला जाता है, ओके, इसके अंदर इंग्लिश का कॉमन क्वेश्चन रहता है, अभी से स्टार्ट हुआ है लास्ट ईयर से, तो उसमें लास्ट ईयर से स्टार्ट हुआ है तो उसमें ज़्यादा कोई अंतर वाली बात नहीं है, बेसिक आपसे सवाल पूछे जाएंगे उसके अंदर, वो आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके अंदर बाद में बात आती है गाइस आपका यहां पे यदि सारे प्रोसेस आप कंप्लीट कर ले तो मेडिकल साथ में ही होता है, क्योंकि आपका 31 को अक्टूबर को पीएसएल आने वाला है प्रोविजनल सिलेक्टेड लिस्ट, तो आप सभी कैंडिडेट्स को मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपको है मेरे को जैसे ही समय मिलेगा मैं उसके ऊपर आपको यदि वीडियो की जरूरत पड़ेगी तो वीडियो भी देने की कोशिश करूंगा, पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने की जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन है, 3 साल का मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके अकॉर्डिंग। और गाइस आपको कोई भी डाउट बनता है जो भी
जो भी आपका डाउट बनता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एग्जामिनेशन से या फिजिकल से या मेडिकल से, तो आपका मेडिकल गाइज थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का होता है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ईयरवेक्स अभी करवा लें यदि किसी कान में कोई भी दिक्कत है तो, ठीक है। और कोई भी ऑपरेशन वगैरह अभी ना करवाएं, क्योंकि अभी आपके पास इतना उचित समय नहीं है, तो आप अभी ऑपरेशन वगैरह ना करवाएं, मेरा कहने का तात्पर्य यही है। और किसी भी प्रकार की और भी डाउट रहेगी तो आपको आपका जो भी सेशन आएगा, लाइव सेशन भी आपके लिए रख दिया जाएगा, जैसे ही हमें समय मिलेगा आपको अवगत कराया जाएगा। तो इसके लिए आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करें, इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहां से जाकर आप हमें फॉलो कर लें। और किसी भी प्रकार की अन्य प्रकार की और भी समस्या है तो आप पूछने में शंका ना करें, आपको जो भी आपकी समस्या रहेगी वो हम आपको तुरंत से तुरंत प्रोवाइड करवाएंगे उसका सॉल्यूशन गाइस, ओके। और आपकी क्लासेस भी रेगुलरली करने की कोशिश करेंगे, इंग्लिश की या इंग्लिश की क्लासेस तो आएंगे आएंगी, उसके साथ साथ मैथमेटिक्स या फिजिक्स की क्लास भी आपको दी जाए तो बेहतर रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूंगा गाइज, और किसी भी प्रकार की और भी समस्या जाननी हो आपको या आपकी समस्या आ रही है तैयारी करने में, तो आप मुझे जरूर पूछ सकते हैं। और गाइज इस वीडियो को लाइक कर देना दिल से, मैंने आपके लिए मेहनत से ही इस वीडियो को बनाया, दोबारा बनाने का मेरा कोई मकसद नहीं था इस वीडियो का, आपके काफी कमेंट आए तो आपका प्यार और सपोर्ट रहा, तो इसकी वजह से मैंने इस वीडियो को बनाने का उचित समय समझा और आपको वीडियो बनाकर दिया है, ओके। तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, ये बताने की बात है नहीं आपको, और ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग होनी चाहिए इस वीडियो की। और आपका ही चैनल है, मैं बस इसका चलाता हूँ, आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आता हूँ, आपका ही चैनल है, ठीक है। तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना अच्छे तरीके से भैया, और सब्सक्राइब का बटन नीचे वीडियो के नीचे है उसको सब्सक्राइब करना और प्रेस करना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ऑल वाले बटन पे क्लिक कर लेना। किसी भी प्रकार की समस्या या आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी आपको डाउट बन रहा है, तो आप पूछने की कोशिश करें, कमेंट सेक्शन आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है और उसमें आपको रिप्लाई करने की तुरंत कोशिश की जाएगी, वंदे मातरम। और आपको सभी कैंडिडेट्स को मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक, कोई भी आपको डाउट बनता है तो आप जरूर आस्क करें, मेरा यही कहने का अर्थ है, कोई भी स्टूडेंट है वो किसी डाउट में ना रहें, डाउट उसका क्लियर हो और वो अपना सिलेक्शन क्लियर करें, ओके। तो ये आपको बताना था, ये मैंने पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है। वीडियो जैसा भी लगा आप अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट रख देना, कोई भी दिक्कत नहीं है। और आपको लगता है कि इस पे हमें वीडियो चाहिए, आपको वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए नेक्स्ट, तो टेलीग्राम ग्रुप में चले जाना और इस वीडियो के सेक्शन में कमेंट कर देना कि हमें आपका SRT पे चाहिए या DFT टेस्ट पे चाहिए या फिर आपको GD पे चाहिए या आपको एग्जामिनेशन से रिलेटेड चाहिए, फिजिकल से रिलेटेड चाहिए या मेडिकल से रिलेटेड चाहिए, तो वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी।